मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लाने, और मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है भगवान का भोग। तो अभी चल स्वीटी को बोला कुछ सामान नारियल वगैरह भी चाहिए होगा, वो लेके आना, भूल मत जाना, और पापा को फोन कर लेना एक बार, पापा को कुछ मंगवाना है। चलो मार्केट चलते। गाड़ी पे रखेगा। इसमें अदरक, जीरा, धनिया, ब्लैक पेपर है। हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली, चॉप टोमेटो, सॉल्ट, इसको ढक के चॉप करूंगी। चावल चला दिया, टोमेटो जो उस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, बॉयल पोटैटो क्यूब क्यूब करके, ये बिहारी गरम मसाला ऑलरेडी मैं शेयर किया है, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा पानी देके जस्ट ढक ढक के करी करी टाइप का बना दूंगी। ऊपर में किसी का घर पे काम चल रहा है तो झूर झूर करके किचन में आवाज आ रहा है। आज सुबह से बारिश हो रहा है और इधर पटाखा क्या फूट रहा है, सुबह से दोपहर हो चुका है फिर भी पटाखा ही फूट रहा है, उधर पटाखा फूट रहा था, इधर फूट रहा था, तो चारों तरफ आवाज़ सुन के लग रहा है ना नवरात्रि जैसा फील हो रहा है ना, वैसा वाला है। यहाँ पे शायद विसर्जन, मतलब सुबह से कौन सा विसर्जन होता है, दोपहर 12 बजे के बाद ही विसर्जन होता है, लेकिन सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। यहाँ पे टोमेटो, अदरक को थोड़ा सा तेल में जीरा देके भून लिया था, चना मसाला, धनिया देके थोड़ा सा भून लो, धनिया का कच्चापन चला जाएगा, बॉयल्ड चना, इसको अभी जस्ट 5-7 मिनट 10 मिनट बॉयल कर लूँगा। स्वीटी भगवान को भोग देना हो गया, लेकिन मम्मी अभी पूरन पोली बना रही है, क्योंकि पूरन पोली गणपति जी का सेकंड फेवरेट चीज है। वही मैंने सोचा पूरन पोली ना हो, फटाफट चना दाल ये सब करके
भोग दे दिए, मगर मिठाई बाद में देते फिर से, क्योंकि पूरन पोली ना दे तो मन एकदम थोड़ा लगेगा। नहीं अरे पूरन पोली नहीं खिलाए। और आप सब भोग लो, आज पापा का लास्ट डे का भोग है ये। पापा फिर से नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो इसीलिए भोग जितना हो सके मैंने बनाने की कोशिश किया। और पापा को पूरन पोली ना खिला के भेजा था ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए फटाफट पूरन पोली भी बना दिया। तो आप सब भोग ग्रहण करो। छोले, राइस, हिंग टमाटर, आलू की सब्जी, पूरी, मोदक, यहाँ पे पूरन पोली, मोदक। पापा ग्रहण करो भाई। सुबह से इधर पटाखे फूट रहे, सुबह से चल रहे है। बाप रे, अरे बार हो क्या रहा है पता नहीं। आज सुबह से बारिश हो रहा है, एकदम छिपछिपा वाला वेदर टाइप का, इतना मतलब धुआं धुआं धुआं, मतलब टिप 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 करके बारिश हो ही रहा है। इसको पूछा था फिर से, वो पानी पानी हो गया चारों तरफ। सुबह से खाना खाया तो ना, अनिल ने देखो कितना बड़ा दो दो हार लेके आए, पहले एक लेके आया था, उसके बाद दूसरा वाला इधर अच्छा मिलता है ना, कौन सा वाला लिया, ये वाला शायद ये तो बहुत बड़ा होगा, ये मैं मंदिर में दे देती हूँ। आज बारिश हो रही है, टिप 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 करती हूँ, अच्छा है गुलाब गणपति बप्पा के लिए भी रोटरी का स्नैक्स, क्योंकि यहाँ से कैलाश तक जाएंगे। ये खोपरा होता है, ड्राई खोपरा, हाँ ड्राई खोपरा के अंदर जागरी, राइस और चीजें रहता है। एक बांधो और एक झोला जैसे ऐसे होता है, हाँ, मतलब फाइव टाइप्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं। तो कोई कोई चावल भी दे देता है, मतलब जिनका घर में जैसे मिलता है इस हिसाब से। तो वही चावल जागरी, मेनली चावल जागरी होता है, या तो आप नाइन मतलब फाइव टाइप्स ऑफ ग्रेन्स दे सकते हो। ये गणपति जी लेके जाएंगे, क्योंकि रास्ते में जाते जाते भूख लगेगी, भूख लगने के लिए बना के मतलब ड्राई कोकोनट उसके साथ राइस जगह देके खीर बना देंगे। खीर बनाओ, खीर बनाओ, इसलिए दिया जाता है। इस तरह बोलता वाले आ गए, नीचे में एक बाजार है, अरे नीचे सोसाइटी का भी आदमी सब जाना है। सही टाइम में हम लोग का मोहरा, तो चलो हमारे बापा के लिए ढोल दास रेडी है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति जी का आरती जरूर लेना, आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो, सबके घर पे खुशी आ रहा है। एक साल तक, नेक्स्ट ईयर तक सबके घर पे गणपति बहुत खुशियाँ लाए, सबका लाए। कुछ रिचुअल्स रहता है, गणपति जी के हाथ में लड्डू मोदक जो भी स्वीट रहता है वो
लेके हाथ में दही शक्कर सुबह होता है वो देके, और गणपति जी का जो ट्रेवल का जो फूड है वो लेफ्ट हैंड में देके और घट को हिला के, यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा का विधि होता है वो मैं नहीं शेयर किया क्योंकि वो शांतनु ऑलरेडी कर चुका था उस टाइम पे। और यहाँ पे पाठ मतलब जो पीढ़ी होते हैं वहाँ पे गणपति बापा को थोड़ा सामने लाना होता है, उसके बाद कुछ देर बाद आप जो भी रिचुअल्स होता है विसर्जन का विधि होता है वो कर सकते हो। कितना अच्छी तरह से सजाया था, मतलब तो सजाने के टाइम कितना ये रहता है अभी गणपति बापा। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा को होम टूर दिखा रहे। हाँ गणपति बापा, अरे होम टूर देना चाहिए ना, छुट्टी तब से बोले गणपति बापा को होम टूर दिखा रहे। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा। इसको बोला थोड़ा ऑर्गेनाइज रखे, अच्छी तरह से रखे, साफ सुथरा रखे। गणपति बापा मोरिया, साइड दिखे धो तू, साइड दिखे, साइड दिखे, किंतु ओइभावे धोल ले गणपति बापा सपोर्ट था, क्योंकि मिट्टी का है ना, मिट्टी का काफी थोड़ा हेवी होता है, पाठ भी बहुत बड़ी है। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति हटने बस बस एक्साइटेड है क्या गणपति बापा मोरिया। कौन सा लिफ्ट में जाएंगे गणपति बापा, कौन सा लिफ्ट पसंद है, कौन सा आ रहा है मुझे भी नया वाला, ये हाँ बल ट्रेन है क्या, मजा आएगा। आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तब देखना लाइट वाइट थोड़ा ज्यादा लग गया, हाँ 6 महीने में पूरा बन जाएगा है पाटा। हाँ पाट बड़ा है काफी, पाटा उठा तब सब ठीक ठाक है ना गणपति जी। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। छोटी पीछे में घट लेके बैठी है, मेरे साथ में गणपति बापा। देखो सामने बच्चों के खेलने के जगह, आपको खेलना है तो सोसाइटी का टूर अभी बच्चों को फुटबॉल का जगह खेलना है आपको, फुटबॉल, अरे फुटबॉल खेलना है। पापा बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति चाले गावाला, जैन पड़े ना आवाला, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा। पार्किंग इधर की है और उधर सामने ही है, एकदम चल के आ सकते हैं लेकिन इतना भारी को चल के लेके जाना है ना मो ना मो छाता। और यहाँ पे गणपति जी का फिर से आरती होता है पाठ के ऊपर बैठा के, और आरती के बाद सारे ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो खोल देते हैं क्योंकि ज्वेलरी वगैरह वहाँ पे
या तो जो भी मुकुट वगैरह रहता है वो सब वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। और ये सारे भैया लोग ही वहाँ पे विसर्जन करते हैं। यहाँ पे मैन मेड पॉन्ड टाइप का बनाया जाता है, एक जन घट लेके जाता है, एक जन गणपति जी को लेके जाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से मैनेज होता है। मुंबई के जो भी अरेंज करते हैं, मुंबई पुलिस से लेके जो भी संस्थाएं रहता है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इतना दुख होता है ना इस टाइम पे, 5 दिन आप सोचो सेवा करो, उसके बाद गणपति जी को इस तरह से देख के एकदम भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या है, लाइफ है। गणपति जी अपना मम्मी के पास जा रहे हैं और फिर से दुर्गा पूजा में आएंगे, ये सोच के ही थोड़ा आंसू को रोकने की कोशिश करते। सबका बहुत सारे गणपति दिख रहा था, बहुत क्यूट क्यूट गणपति दिख रहा था। और यहाँ पे पाठ पे उसके बाद मिट्टी दे देते हैं, मिट्टी वो भी जो भी घट होता है, घट में भी थोड़ा सा पानी दे देते हैं, और वो लोग पाठ के कपड़ा भी धो के लेके आ जाते हैं। अभी गणपति जी का यहाँ पे क्या काली लग रहा है, मिट्टी देते हैं गणपति जी का, और ये धोके दिया है उन्होंने सब कुछ। हाँ अब नहा लो पहले। क्या अजीब फीलिंग्स लग रहा है आने के टाइम, कितना हैप्पी हैप्पी वाला फीलिंग उधर पड़ा, अजीब लग रहा है। लेकिन क्या करें, अभी गणपति जी को भी जाना है अपने मम्मी के पास, ये सोच के भीगी सूटने तो किचन में पैर। अरे वो बारिश हो रही है रे बॉय, ये बारिश ना सच में, अच्छा पूरा कितने लोगों को भिगो रहा है एकदम। और छाता वहाँ पे क्या खोले, इतने सारे लोग हैं, छाता भी डेंजरस होता है ना, किसी का आंखों वाखों में लग जाए। छाता में मैंने बंद कर दिया, छाता गाड़ी पे रह गए। चलो मिलते पहले।